हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। ये देखिए, ये सब बेडशीट वगैरह उतारा है अपना टेबल। सही कह रहा, आज संडे है, संडे का सुबह है तो काम चालू है। थोड़ा ना, मेरे रात में ना पनीर खा लिए थे तो उसके वजह से लग रहा है पेट में ना गैस बना दिया, तो उसके वजह से सर में दर्द होने लगा हमारा। ये है माइग्रेन का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो सर में दर्द कुछ भी थोड़ा होता है ना, या नींद ना पूरा हो उसके वजह से हो जाता है सर में दर्द, नहीं तो ये गैस हो जाता है। तो थोड़ा लेट तक हम लेटे रहे थे, ये लोग बोला है चलो मम्मा हम लोग मदद करते हैं आज तुम्हारे काम में। तो लेट 9 साढ़े 9 बज गया। वैसे तो ठंडी है तो आजकल थोड़ा लेट तो होता ही है, पर यहाँ 9 या 9:30 तो शायद बज ही गया था तब आए, तो ये लोग भी उस टाइम उठ गया था सब। तो ये लोग भी, हम बोले चलो तुम लोग अपना ही काम कर लो, पूरा टेबल फैला के रखे हुए हो तो अपना अपना टेबल वगैरह सही कर रहा है इधर ये दोनों, और हम ना उसी रूम में हम ये सब बोले चलो हम साफ कर देते हैं। सीधा खड़े रहो तो सही रहता है, झुको ना तो सर में थोड़ा लगता है ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो ये सब हुआ है। और इसके मामा जी भी संडे को चला गया है, ठीक था तो उसको ना अब उसका क्लास पूरा हो गया है। ये देखिए, आज मम्मा का तबीयत थोड़ा खराब है, दोनों एकदम काम में लगा हुआ, पूरा साफ सफाई कर दिया दोनों। नहीं, वहीं पे रखो साइड में। उसका क्लास पूरा हो गया है और वो ना अब ज्वाइनिंग आ गया, ज्वाइनिंग करे अब ज्वाइन करेगा, जॉब करेगा वो अहमदाबाद में। तो बोला लेट हो जाएगा तो फिर पता नहीं वहाँ सीट मिले तब वो जाना पड़ेगा, अभी जाते हैं। हम लोग तो बोल रहे थे अभी मत जाओ, अभी 10-15 दिन पहले देख के यहाँ पे रह के देख लो, नहीं तो गाँव जाना है तो गाँव जाओ, फिर बाद में जाके ज्वाइन करना, मम्मी लोग भी बोली थी। पर बोला नहीं अभी आ गया सीट है और अप्लाई किए थे तो हो गया, तो अभी जाके ज्वाइन पहले करते, नहीं तो फिर जगह नहीं रहेगा, सीट तो नहीं हो पाएगा। तो बोले चलो ठीक है, तो अभी सही हो तो जाओ फिर। तो वो भी चला गया है। और मुझे ना सर्दी भी हो गई है बहुत ज़्यादा, आवाज़ से भी लग रहा होगा, और ऊपर से ये सर में दर्द था तो एकदम ज़्यादा ही ये हो गया है। सर्दी ना बहुत ही ज्यादा हो गया था, नाक से पानी टपकने वाला, तो ऐसा वाला सर्दी हो गया। फिर वो सब कर लिया है, ये फट से आ गया है काम करने वाला। संडे को लोग को बहुत मजा आता है, झाड़ू लगा देते हैं। ये देखिए, आज नया रेसिपी बन रहा है, छोटा वाला आलू, उसको उबाल के छील लिए, और ये इसमें है पालक, धनिया पत्ता बहुत सारा लगेगा, तो इसका नया रेसिपी बना रहे हैं देखिएगा। और इसमें ना पालक में मिर्ची और लहसुन डाल के पीस दिए साथ में, इसमें ना लहसुन बहुत ज़्यादा लगता है और धनिया पत्ता। ये देखिए, एक कटोरी पूरा भरा हुआ है अभी। अब ये सब रेडी हो गया, अब बनाएंगे। और सुबह में वो लोग के लिए लंच में बनाए थे, पकौड़ा दिए थे, और वही 2-3 बचा है। और आज का देखिएगा, ये रेसिपी पालक का न्यू रेसिपी है। और छोटा वाला आलू अब आने लगा है ना, अभी आलू निकलता है नया वाला, तो इसमें ना बहुत ही बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनता है। फर्स्ट बार खाए थे ना, इससे पहले एक बार और खाए, इतना अच्छा लगा था गरम गरम खाने में, एकदम बहुत ही अच्छा। इसको ऐसे खाली रोटी के बिना भी, बस जैसे ब्रेकफास्ट में चाय पी रहे हैं तो उसके साथ खा सकते हैं, थोड़ा 1-2 चम्मच ले लीजिए सब्जी और खा के और चाय पी सकते हैं। तो ये आलू फ्राई कर लिए थे, और फिर ये थोड़ा कम तेल में दे रहे हैं क्योंकि गैस बना था ना, तो सर में दर्द हो रहा था तो ज़्यादा नहीं कम तेल में बोले करते हैं। इसमें ना धनिया का पत्ता थोड़ा ज़्यादा लगता है, बीच में बनाओ तो बीच में डालो फिर ऊपर से डालो, तो बस इसमें ज़्यादा कुछ लगता है ना, बस लहसुन थोड़ा ज़्यादा और धनिया का पत्ता और कुछ नहीं। तो ये सब हो गया है, और देखिएगा कैसा लगा आज का ब्लॉग और ये सब्जी। और इसमें बस ऊपर से हल्दी और मिर्च पाउडर था और नमक था, बस इतना ही डाले और कुछ नहीं। तो इसी को भूनते गए, और बीच में थोड़ा एक बार बीच में डाले थोड़ा सा भुने, और उस टाइम डाले धनिया का पत्ता, और उसके बाद जब पूरा हो गया तब डाल के और उतार दिए, फिर जब सर्विंग बाउल में रखे निकाल के जब रेडी हो गया तब सब धनिया डाल के, और बस हो गया था।
तो आज के लिए इतना ही, आज संडे था तो यही सब हुआ है। तो देखिएगा कैसा लगा, और प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और देखिए सब्जी एकदम अच्छा लग रहा है ना। और ये ना इसमें पानी नहीं दिए थे, ऐसे पानी भी डाल सकते हैं, पर हम लोग ना रोटी ही बनाए थे इसके साथ खाने के लिए, तो बोले ज़्यादा पतला करने की ज़रूरत नहीं है, तो रोटी में ही खाना है। तो ये देखिए बन के तैयार हो गया है एकदम। और यहाँ पे उसमें अंदर पहले धनिया डाल दिए, ऊपर से ये डाल दिए कि मिला मिला के खाने में सही रहेगा। ये देखिए सब्जी रेडी हो गया है, और ऊपर से भी थोड़ा पालक दे देते हैं, जब खाएंगे तो इसको मिला मिला के मिल जाएगा पूरा। तो इसमें ना धनिया ज़्यादा लगता है, एक कटोरी पूरा धनिया ख़त्म हो गया, ये थोड़ा सा बच जाए। और ये देखिए।